हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं विद्यार्थी। और ये जो क्लासें हैं आपकी रेगुलर चल रही हैं, जो कि ट्रेडमैन एग्जामों से संबंधित हैं, और सभी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण डिस्कस किए जाते हैं, तो रेगुलर क्लास में आप बने रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्या आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये कल वाला क्वेश्चन है जो हमने आपको SW दिया था, उसका आंसर देखेंगे पहले। और हम डेली इसमें SW आपको देते हैं सबसे लास्ट में जा करके, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर आंसर किया करें कमेंट। क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना किससे होती है? ऑप्शन आपके सामने चार दे रखे हैं, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बन या कार्बन हाइड्रेट। राइट आंसर टिक करेंगे। तो कुछ बच्चों का आया था, इसका राइट आंसर सही था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन। एंजाइम जो है आपके प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे एंजाइम की रचना प्रोटीन से होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? समुद्रगुप्त, हरिसेन, पुलकेशिनदित्त या हेलीडोटरस। राइट आंसर टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को हरिसेन ने लिखा था, याद रखेंगे किसने, हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, संक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? देखिए ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, चैत्र, माघ, फाल्गुन या बैसाख। राइट आंसर टिक करेंगे। देखिए संक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना जो होता है वो आपका हिंदी में फागुन कहलाता है, ठीक है, फागुन। सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। वैसे आप दिसंबर बोलते हैं और इसे हिंदी में जब आप बोलेंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो फाल्गुन इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? के जी बालकृष्ण, कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती या सी के माथुर। राइट आंसर टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, के जी बालकृष्ण जो है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण निम्न में से क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर टिक करेंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपका अम्ल वर्षा होती है ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है, याद रखेंगे। पांच का सी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मायोसिन अम्ल, पाइरोडिक अम्ल या न्यूसेन अम्ल। राइट आंसर टिक करेंगे चारों में से। ये क्वेश्चन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और ये क्लासें आपको रेगुलर मिलने वाली हैं आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा मायोसिन अम्ल, याद रखेंगे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। राइट आंसर टिक करेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। जो मैग्नीज है ये सर्वाधिक जो उत्पाद किया जाता है ये कर्नाटक में किया जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी से संबंधित ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है रैयतवाड़ी, तो ये किससे संबंधित है? अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ या सी जमींदारों के साथ या डी किसानों के साथ। तो किसके साथ ये किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों ऑप्शन डी, किसानों के साथ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो किया गया था ये किसानों के साथ इसको किया गया था, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू का उत्पादन स्थान कौन सा है? आप बताना है आपको कि तंबाकू को जन्म स्थान या उत्पादन स्थान कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, भारत, मैक्सिको या मिस्र। राइट आंसर टिक करेंगे इनमें से चारों में से। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मैक्सिको। जो तंबाकू का उत्पादन स्थान है ये आपका मैक्सिको होगा, ठीक है, याद रखेंगे, मैक्सिको इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो किस समय ये गाया जाता है? प्रातः काल में, बी मध्य काल में, सी सायं काल में या डी रात्रि काल में।
राइट आंसर टिक करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रातः काल में ये राग भैरवी आपका गाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे पूछी है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर देखेंगे इसका, ए 1%, बी 0.03%, या सी 0.93%, या डी 0.005%। राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुकंदर का उत्पादित स्थान कौन सा है? ए मिस्र, बी ब्राजील, या सी भारत, या डी यूनान। राइट आंसर टिक करेंगे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इसका होगा यूनान। चुकंदर का उत्पादन स्थान जो होता है यूनान होगा, ठीक है, सॉरी मैं गलती से बोल गया, ये यूनान होगा इसमें, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुकंदर का जो उत्पादन स्थान है आपका यूनान होगा। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, या राजगोपालचारी। राइट आंसर टिक करेंगे, ठीक है, भूदान आंदोलन से आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जो प्रेरणता हैं ये विनोबा भावे को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी दयानंद सरस्वती ने, या डॉ राजा राम मोहन राय ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर देखेंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड आर्कलैंड, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर टिक करेंगे बच्चों, सभी को पता होगा जो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार हुआ था वो हुआ था सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखेंगे, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949, या 9 दिसंबर 1947। इसमें कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार पटेल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर टिक करेंगे, तो देखिए बच्चों इसमें राज्यसभा में जो प्रथम विरोधी दल के नेता थे ये थे कमलापति त्रिपाठी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, कमलापति त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1996, 1997, 1998, या 1999। राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1999। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से जब सम्मानित किया गया था तो उस वर्ष 1999 में उनको किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेद, या अथर्ववेद। राइट आंसर करेंगे इनमें से, ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा, या अथर्ववेद होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, जादू टोना जो आपका मिलता है ये आपका अथर्ववेद में मिलता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में आपका इसका राइट आंसर होने जाना है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 40 वर्ष। राइट आंसर टिक करेंगे, तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन जो न्यूनतम आयु सीमा है ये वो आपकी सी ऑप्शन 35 वर्ष होगी, और मुख्य न्यायाधीश के लिए भी आपकी 35 वर्ष होगी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A या अनुच्छेद 52A? इसको आप SW में देंगे, कमेंट में आंसर इसका आप जरूर देंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, आपको इनमें से बताना है और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर मिलने वाली है, चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वीडियो आपको डेली मिलने वाली है। और साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल को, सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल के साथ। आपके सपोर्ट की बदौलत आज हम यहाँ मुकाम पर हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।